हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ सिंपल टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एस रेशियो एनालिसिस एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल सीबीएसई स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और जिनको अकाउंट्स का जो पेपर है उसमें ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस पूछा जाता है अब आप सभी को पता होगा कि रेशियो एनालिसिस हो या कोई भी टॉपिक हो Concept के ऊपर सीबीएसई लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेदर द क्वेश्चन विल बी फॉर मार्क मार्क्स मार्क्स और अब ये जो चैप्टर है रेशियो एनालिसिस इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है और वो है फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द एंड अंटिल आपके सारे फॉर्मूलाज क्लियर होंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने ऑलरेडी आपको चीजें बताई है फिर भी हम एक प्रैक्टिकली तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि एनालिसिस में कैसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपको अपना फॉर्मेट क्लियर करना है फॉर्मेट विल बी ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट विल बी ऑफ वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस ये दो फॉर्मेट्स आपके क्लियर होने चाहिए उसके साथ आपको सारे के सारे रेशियोस के फॉर्मूला याद होने चाहिए बिकॉज ये लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये क्वेश्चंस जो है ये फॉर्मूला बेस के ऊपर कैलकुलेशन पूछते हैं तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम एक प्रैक्टिकली तीन से चार क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे फिर आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई के लेवल में पूछे जाते हैं तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है एनालिसिस इसमें अगर हम मार्किंग बेस पे सीबीएसई का पेपर देखें तो वन मार्क्स के कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं तीन, तीन तीन चार ऑप्शन लेकिन अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से कर लेंगे तो आपको ये ऑप्शन की भी कोई जरूरत नहीं होगी एग्जामिनेशन में तो प्रैक्टिकल सॉल्विंग कैसे करना है सीधा स्क्रीन पे समझते हैं और थ्री फोर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे एंड सम्स को सॉल्व करके देखते हैं एक्सैक्टली कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सो रेशियो एनालिसिस में जो मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आते हैं दिस विल बी अ वीडियो विच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द सीबीएससी स्टूडेंट्स तो जो भी सीबीएससी स्टूडेंट्स में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का पेपर देंगे अकाउंटेंसी का उसमें जो रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वन टू मार्क्स के लिए होते हैं कभी थ्री फोर मार्क्स के लिए होते हैं तो मैंने पिछले सेशन में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है एंड दैट इज अबाउट रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज तो वो पहले आप चेक करें सबसे पहली चीज है आपको इस ओवरऑल रेशियो एनालिसिस में जो रेशियोज के फॉर्मूलाज है वो आपके क्लियर होने चाहिए जब तक आपके रेशियोज के फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एक एक करके हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट दी प्रोपराइटर्स फंड्स प्रोपराइटर्स फंडस को हमको ढूंढना है करंट रेश करंट असेट्स हमारे पास दिया है ट्वेंटी लैक्स नॉन करंट असेट्स हमारे पास दिया है फोर्टी लैक्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे पास दिया है पच्चीस लाख प्रोपराइटरी रेशो दिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफी ईजी होता है लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है सेकेंड क्वेश्चन पूछा था इफ़ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द अमन इज सिक्स परसेंट इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना रहेगा वो हमको ढूंढना है ऑप्शन तो वैसे आते हैं लेकिन ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दिए है ऑप्शन जो भी रहेगी वो आपको एक हेल्पिंग एंड होगा कि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन से भी इजिल फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न ओवर टर्न ओवर रेशियो और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम सेल्स कहते हैं यह है टू लैक्स एवरेज इन्वेंट्री आपको दे दिया दिया है दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टेन परसेंट यह है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर एंड है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एवरेज इन्वेंट्री रेशियो वी हैव सिक्स टाइम्स इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो वी हैव सिक्स टाइम्स एवरेज इन्वेंट्री वी हैव फोर लैक्स गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट एक एक करके सॉल्व करते हैं Uh, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? देखो अभी ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें क्या ढूंढना है वो इंपॉर्टेंट है हमें क्या कैलकुलेट करना है प्रोपराइटर्स फंडस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जो है प्रोपराइटर फंड ढूंढने के लिए आपको प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए प्रोपराइटरी रेशो क्या है तो प्रोप्राइटरी रेशो क्या है प्रोपराइटरी रेशो का मतलब है मैं पीआर लिखता हूँ प्रोपराइटरी रेशो फॉर्मूला क्या है प्रोपराइटर फंड्स प्रोपराइटर मतलब शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स क्या होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आपका फॉर्मूला है अनलेस एन यू नो द फॉर्मूला दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी लिटिल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट तो ध्यान रखो फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ो आप फार्मूला पढ़ लेंगे तो ये सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगी क्या है फॉर्मूला प्रोपराइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर डिवाइडेड बाय टोटल अब ये टोटल असेट्स का मतलब होता है करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स ठीक है करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स तो आप यहाँ पे चेक करो देखो करंट असेट्स कितने हैं आपके ट्वेंटी लैक्स नॉन करंट असेट्स कितने हैं आपके फोर्टी लैक्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी है वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है प्रोप्राइटरी uh, रेशो दिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो चलो हम अभी सॉल्व ही कर लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए क्या क्लियर होना चाहिए प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए तो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या है फार्मूला प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स प्रोप्राइटर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो सिंस टोटल असेट्स का मतलब क्या है करंट असेट्स में नॉन करंट असेट्स आपको प्लस करने हैं तो हमारे करंट और नॉन करंट असेट्स कितने थे ट्वेंटी लैक्स ,00 था एक और दूसरा हमारा था फोर्टी लैक्स ठीक है ट्वेंटी लैक्स और कितना था फोर्टी लैक्स ,00 तो कितना होता है ट्वेंटी लैक्स ,00 प्लस फोर्टी लैक्स ,00 हो गया सिक्सटी लैक्स ,00 ये सिक्सटी लैक्स ,00 क्या मिला आपको सिक्सटी लैक्स ,00 आपको मिल गया प्रोपराइटर फंड्स तो बहुत ही सिंपल है गॉट द प्रोपराइटर 60 लैक्स राइट right? 60 लैक्स हमको मिल गया टोटल uh, ढूंढना है एक पे कर लेता हूं। तो ये आपको क्या मिल गया टोटल असेट्स मिल गया टोटल ठीक है प्रोपराइटर हम कैलकुलेट कर लेंगे अब इजी है कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सो so, हमको टोटल असेट्स की वैल्यू मिल गई टोटल असेट्स की वैल्यू कैसे ढूंढी हमने करंट असेट्स में हमने नॉन करंट असेट्स को प्लस कर दिया तो वी गॉट दी आंसर है सिक्सटी लैक्सटी लैक्स इज अवर वैल्यू राइट अभी चेक कर लेते एक बार क्वेश्चन में देखो प्रोपराइटरी रेशियो कितना परसेंटेज बोल रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो बहुत ही ईजी कैल्कुलेशन अभी करेंगे तो अभी हमको क्या ढूंढना है हमको ढूंढना है प्रोपराइटर फंडराइटर तो फंड्स कैसे ढूंढेंगे बहुत ही सिंपल है हम सिक्सटी लैक्स का ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढ लेंगे तो सिक्सटी ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको ढूंढना है तो सिक्सटी लैक्स ,00 का आप ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा फिफ्टीन लैक्स ,00 तो यही आपका आंसर है फिफ्टीन लैक्स ,00 तो फिफ्टीन लैक्स इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज हमको यहाँ पे प्रोपराइटर फंड ढूंढने बोला है तो हमने किया क्या हमने फॉर्मूला लिखा सब्स्टिट्यूट किया एंड देन हमने कैलकुलेशन सीख लिया सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है इफ़ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द अमन इज सिक्सटी परसेंट इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी तो ऑपरेटिंग रेशियो आपको पता होगा ऑपरेटिंग रेशियो कैसे ढूंढते हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सी जी एस इसमें आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने हैं ठीक है थीके? नाम थोड़े अलग रहेंगे जो आपने पढ़े लेकिन यही कंसेप्ट है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो ये आपका सी में हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं नेट सेल्स को डिवाइड कर लेते हैं इंटू हंड्रेड करेंगे तो वी गेट दी आंसर एज ऑपरेटिंग रेशियो अभी ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया है सिक्सटी परसेंट बराबर है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल भी कितना ऐसा पूछ रहा है तो कैसे ढूंढेंगे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही नहीं ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ठीक है ये दोनों मिला के हंड्रेड आंसर आएगा मतलब ये ऑपरेटिंग रेशो सिक्सटी है बराबर है ऑपरेटिंग रेशो सिक्सटी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आप फोर्टी कंसिडर करेंगे तो ही तो आपका टोटल हंड्रेड वैल्यू आएगा ठीक है हमको करना क्या है बहुत सिंपल है हंड्रेड में से सिक्सटी परसेंट अगर आप माइनस करेंगे तो सीधा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तो हमने उसको सिक्सटी कंसिडर हंड्रेड में से सिक्सटी हंड्रेड टोटल होगा राइट टोटल कैसे होगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो प्लस आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइट ये सिक्सटी होगा ये फोर्टी होगा तो आपका टोटल कितना होगा हंड्रेड होगा वही हमने लिखा है तो इसका राइट right आंसर आएगा फोर्टी परसेंट ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था ज्यादा कुछ कैलकुलेटिव नहीं था अब हम करेंगे हमारा सेकंड थर्ड कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटिव है ध्यान से देखना फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है टू लैक्स इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री दिया है ट्वेंटी थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है टेन परसेंट ठीक है तो कैसे करने का अभी ध्यान से देखना ठीक है हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में जीपी का फॉर्मूला लिखता हूँ फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स

जीपी हमको पता नहीं है तो जीपी के जगह पे आप एक्स लिखो या जीपी लिखो इधर लिखो दो लाख दो लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज योर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ठीक है तो इससे आपको जीपी का वैल्यू मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा टू लैक्स इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू लैक्स इंटू टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड आपका वैल्यू आ जाएगा एक ट्वेंटी uh, थाउजेंड का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा अब फॉर्मेट देखो बहुत सिंपल है सेल्स माइनस सी ओ जी एस यू विल गेट दी आंसर एज जी पी राइट तो जी पी कितना मिला मेरे को ट्वेंटी थाउजेंड मिला सेल्स कितना दिया है आपको दो लाख ,00 दिया है ठीक तो दो लाख ,00 में से बीस हजार गया तो यहाँ पे सी ओ जी एस कितना मिलेगा एक लाख अस्सी हजार का आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ओके okay? इट्स वेरी सिंपल सेल्स माइनस सीओजीएस मैंने किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया अभी इन्वेंट्री टर्न ओवर भी आपको दिया है क्वेश्चन में राइट दियान ओवर रेशियो किसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री बोलो या एवरेज स्टॉक बोलो सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री राइट तो अभी आपको सी ओ जी एस कितना मिला है यहाँ पे वन लाख एटी थाउजेंड राइट वन लाख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में दिया है देखो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे दिया है ट्वेंटी थाउजेंड का तो हम लोग क्या करेंगे एक लाख अस्सी हजार को बीस हजार से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा नाइन लेकिन टर्न ओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है तो नाइन टाइम्स आपका सही आंसर बन जाएगा दिस इज द कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है पर ध्यान रखो अगर आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर है एक बार फॉर्मूलाज अगर क्लियर है तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व राइट तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर अब हम क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर में भी वैसा ही है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपको दे दिया है सिक्स टाइम्स एवरेज इन्वेंट्री आपको दे दिया है फोर लैक्स गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो हमेशा याद रखने का पहले ऐसे केस में इक्वेशन लिखने का सीओ जी एस सेल्स माइनस सी विल गेट द आंसर राइट अब देखो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो के मेथड से हम लोग ढूंढ लेंगे तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला सी ओ जी एस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री बहुत ही सिंपल है मेथड सी को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे अब हमारे पास सी नहीं है हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है और हमारे पास इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो भी है तो इसको सब्सटीड्यूट करता हूँ सिक्स इक्वल टू सी नहीं है मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री तो है ना फोर लैक्स तो यहाँ पे मैंने फोर लैक्स लिख दिया राइट right? तो फोर लैक्स इंटू सिक्स तो आपका सी आ जाएगा सीधा सी आएगा फोर लैक्स इंटू सिक्स फोर सिक्स फोर ट्वेंटी फोर तो आंसर आएगा ट्वेंटी फोर लैक्स तो ये आपका सीओजीएस जी एस आ गया ट्वेंटी फोर लैक्स जो मैं यहां पे अभी लिख दूंगा राइट right? अब देखो गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट सी जीपी है तो आपको जीपी कितना कैलकुलेट करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो जीपी आपका ट्वेंटी फोर लैक्स का तो जीपी कैलकुलेशन करने के लिए सी है हमारे पास ये क्या है ट्वेंटी फोर लैक्स इज वॉट सी ओ जी एस और उन्होंने कॉस्ट पे ही बोला है तो सी का पच्चीस परसेंट ढूंढना है ट्वेंटी फोर लैक्स का पच्चीस परसेंट ढूंढना है कैसे ढूंढेंगे कैलकुलेशन ट्वेंटी फोर लैक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये दो जीरो गया यहाँ से दो जीरो गया तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपको आंसर आ जाएगा सिक्स लैक्स ये सिक्स लैक्स क्या मिला तुमको ये तुमको वैल्यू मिला ग्रॉस प्रॉफिट का ठीक है आ गया। अगर आगे जाके वो तुमको पूछे ढूंढो सेल्स ढूंढो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्वेंटी फोर लैक्स में सिक्स लैक्स अगर हम प्लस करेंगे तो हमको सेल्स का आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थर्टी लैक्स तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो से हमने सीओजीएस ढूंढा सीओजीएस से जीपी ढूंढा जीपी से हम लोग ने फिर सेल्स भी ढूंढ लिया सेल्स उन्होंने पूछा नहीं है उन्होंने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा था तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हमारा पच्चीस टका ऑलरेडी कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू भी हमने ढूंढ लिया एंड वैल्यू ढूंढने के बाद अगर आपको बोल रहा है सेल्स ढूंढो तो सेल्स भी हम ढूंढ सकते सिक्स लैक्स ,00 में ट्वेंटी फोर लैक्स अगर प्लस करेंगे तो थर्टी लैक्स ,00 का आपका सेल्स आ जाएगा सो so, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैल्कुलेशन जो आपको याद रखना है दैट इज अबाउट द फॉर्मुलाज अनलेस एंड अंटिल यूर फॉर्मूलाज आर क्लियर दिस कैल्कुलेशन विल बी लिटिल इल बी डिफिकल्ट ऑन यूर लेवल एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं लेकिन आपके लेवल में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है तो सबसे पहले फोकस करो फॉर्मूलाज में फॉर्मूलाज में क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे ये सारे क्वेश्चंस थैंक यू वेरी मच मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में बाय बाय टेक केयर